आपके पास सुना है कि कोई जिना आया है, सुना है कि उसने कोई पाकिस्तान बनाया है, सुना है कि कोई वकील हक व इंसाफ की जद्दोजहद करते करते एक ऐसा अदालती निजाम बनाना चाहता है जहां कानून खुदा की किताब होगी, सुना है कि गरीब को इंसाफ मिलेगा, ये भी सुना है कि वहां कोई मां अपने जवान बेटे के कातिल को यह कहकर माफ नहीं करेगी कि मेरी दो जवान बेटियां भी जिंदा हैं। सुना है कि हिंदू बलवारी मुसलमानों के स्कूल में हमला नहीं करेंगे। सुना है कि अरशद अपने 6 माह के बच्चे को यह कहकर नहीं मारेगा कि शायद उसकी बीवी इस तरह उसकी बात माने। सुना है कि हिंदुस्तान पाकिस्तान से अलग होने जा रहा है। सुना है कि एक पाकिस्तान बनने लगा है। सुना है कि पाकिस्तान में जिना ने अदल व इंसाफ की सच्चाई की एक बुनियाद रखी है। और सुना है कि मुसलमान एक अल्लाह, एक किताब, एक रसूल पे यकजा होने लगे हैं। सुना है कि तमाम आलम इस्लाम के लोग पढ़ लिख कर एक ऐसा मुल्क बनाने लगे हैं जो सिर्फ अदल व इंसाफ के लिए कायम किया जाएगा। मगर ये सारी बातें सुनी सुनाई मालूम होती हैं। ऐसा लगता है कि सब किसी ने मजाक किया हो। जनाबे वाला, ये मुल्क वो मुल्क जहां दुनिया में इतने मजहब नहीं मिलेंगे मगर मजहबी जमातें मिलेंगी। दुनिया में शायद इतने मारूफ सियासतदान न गुजरे हों लेकिन यहां पे सियासी जमातें मिलेंगी। ये पाकिस्तान वो पाकिस्तान जो कायम है और कायम रहेगा। सुना है कि दो कौमी नजरिए की बुनियाद पर एक महान हिंदुस्तान टूट के रह गया था। सलाम कीजिए ना इस पाकिस्तान को जहां हर 18 करोड़ में से फर्द का अपना अपना नजरिया है मगर पाकिस्तान तो कायम है। सुना है कि ये मुल्क हमेशा कायम रहेगा। यहां की सरकारी मुलाजिम काम ना करने की तनख्वाह लेते रहेंगे और काम करने की रिश्वत। सुना है कि इस मुल्क का हर बाइंदा आपकी फलाह के लिए रिश्वत लेता रहेगा। और ये भी सुना है कि इस मुल्क की मस्जिदों से ईमान और दीन की हिफाजत की बातें होती रहेंगी मगर चपले तक महफूज ना रहेंगी। सुना है एक सवाल, इस जिम्मेदार कौन है, कसूर किसका है? उस जिना का जो एक रुपया तनख्वाह पर वजीर आजम बना, या वो वजीर तालीम जो तालीम से ज्यादा महंगा पड़ रहा है? सवाल यह है कि कसूर किसका है, उस बानी का या इस पाकिस्तानी का? कसूर किसका है, उस जिना का, उस पाकिस्तान के जिना का, या इस पाकिस्तान में जीने का? एक बात जो याद रखनी चाहिए, उस वक्त हम एक कौम थे, हमें एक कायद की जरूरत थी। आज हम सब कायद हैं मगर शायद हमें एक कौम की जरूरत है। वाह वाह, बहुत शुक्रिया, जबरदस्त, बहुत खूबसूरत और